दीक्षा आ गई, चंदा शर्मा, मीनू कुमारी बैरव। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा चंदा, गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग मैम. मॉर्निंग बेटा. मीनू मॉर्निंग मीनू कुमारी बैरवा आ गई. चंदा शर्मा दीक्षा. ठीक है बेटा. निकिता रेखा चौधरी, निकिता शर्मा, मोनिका. सुमन चौधरी आ गई. अंशु शर्मा, निकिता शर्मा, मोनिका, चंदा शर्मा, मीनू कुमारी बैरवा. इंदिरा चौधरी आ गई. पिंकी चौधरी. गुड मॉर्निंग पायल. पिंकी चौधरी अभी आ गई. पायल भी आ गई. इंदिरा चौधरी आ गई. रेखा चौधरी, अंशु शर्मा. अंजलि शर्मा, पिंकी चौधरी, अंजलि शर्मा.
प्रिया आई है अभी, पिंकी चौधरी, अंजी शर्मा और प्रिया। कांता जाट, सीमा चौधरी, कांता जाट, सीमा चौधरी, ठीक है अपन करते हैं। आज कुल है सोलेनेसी, सोलेनेसी कुल है, फैमिली क्या है सोलेनेसी को पढ़ रहे हैं, कुल सोलेनेसी। तो अपन देखेंगे सिस्टमेटिक पोजीशन की क्या है। तो वर्गीकृत स्थिति, वर्गीकृत स्थिति, ये सोलेनेसी फैमिली पोटैटो फैमिली भी कहलाती है, आलू कुल भी कहलाती है। तो कौन सा डिवीजन है, प्रभाग है, प्रभाग है एंजियोस्पर्मी। प्रभाग क्या है, बेंथम के बेंथम एंड हुकर के अनुसार जो सोलेनेसी कुल का क्लासिफिकेशन है वो है, इसका प्रभाग क्या है, एंजियोस्पर्मी। सब डिवीजन उप प्रभाग क्या है, डाइकोटिलीडोनी, और क्लास है गेमोपिटेली, सीरीज है श्रेणी बाइकार्पिलेटी, गण है ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स, फैमिली है सोलेनेसी। तो अपन बात करते हैं सेलियंट फीचर्स ऑफ सोलेनेसी, कुल सोलेनेसी के विशिष्ट लक्षण। तो सोलेनेसी कुल के अधिकांश सदस्य शाक अथवा शुभ या वल्लरी हैं, वृक्ष बहुत कम दिखाई देते हैं, वृक्ष बहुत कम मिलते हैं। तो एक बार पूजा आ गई है, पूजा कुमावत, इनको एंट्री देते हैं, पूजा कुमावत की अटेंडेंस लगा दें। पूजा कुमावत, अंजलि सोनी भी आई है आज, 25 अंजलि सोनी। ठीक है बेटा, तो अपन देख रहे हैं सेलियंट फीचर्स ऑफ क्लास सोलेनेसी। तो सोलेनेसी कुल के अधिकांश सदस्य शाक हैं अथवा शुभ हैं या वल्लरी हैं, वृक्ष बहुत कम मिलते हैं, पर्ण एकांतरित या सम्मुख होते हैं, वे अनुपर्णी होते हैं, मतलब एक्स स्टिपुलेट होते हैं, पुष्क्रम एक शाखी या द्विशाखी सहसीमाक्ष पाया जाता है, पुष्प पंजतयी होते हैं, पुष्प पंजतयी होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, नियमित मतलब रेगुलर होते हैं, एवं जायांगधर होते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं। बाह्य दल एवं दलपुंज संयुक्त व बाह्य दल चिरलग्न होते हैं। पुंकेसर पांच हैं जो कि एपिपिटेलस हैं, दललग्न हैं। कैसे हैं, एपिपिटेलस हैं, दललग्न हैं पुंकेसर, ठीक है। जायांग डी अंडपी होता है, बाई कार्पलरी होता है, वह युक्ता अंडपी, सिन कार्पस होता है, अंडाशय तिरछा होता है, ओब्लिक ओवरी पाई जाती है, वह बीजांड सन मतलब पर स्वलन प्लासेंटा पाया जाता है। प्लासेंटा कैसा होता है, स्वलन होता है। एक बार निर्मला चौधरी और आ गई, इनको भी एडमिट कर देते हैं आज, तो निर्मला चौधरी भी आ गई, निर्मला चौधरी को भी एंट्री देते हैं। तो अपन ने ये देखा सेलियंट फीचर्स क्या है सोलेनेसी की, सोलेनेसी कुल के, कि द प्लांट्स आर हर्ब, ऑल द मेंबर्स आर हर्ब, मतलब द प्लांट्स बिलोंगिंग टू फैमिली सोलेनेसी आर हर्ब और श्रब्स, और दे आर ट्वाइनर्स, एंड द लीव्स आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट और अपोजिट मैनर, and the leaves are X-stipulate, and the inflorescence found in the family Solanaceae is
monocasial or dicasial cyme and the flower is pentamerous. Flower kaisa hai? It is pentamerous, bisexual, regular and hypogynous. And it is hypogynous means ovary is superior. So calyx and corolla. Calyx and corolla are fused and they calyx is persistent. जो भाइये दल हैं वो कैसे हैं? Persistent हैं, चिरलग्न हैं and the stamens are 5 in number and they are epipetalous. पुंकेसर कितने हैं? 5 हैं क्योंकि दल लग्न हैं. अब अपन बात करते हैं प्राप्ति स्थान एवं वितरण के बारे में. तो सोलेनेसी कुल के द्विबीजपत्री पादपों का एक महत्वपूर्ण कुल है. मतलब सोलेनेसी फैमिली में डाइकोटिलीडोनस प्लांट्स पाए जाते हैं. इस कुल में सोलेनेसी कुल में लगभग 90 वंश एवं 2250 जातियां सम्मिलित हैं. इस कुल के सदस्य विश्व के उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल एवं शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं. मध्य एवं दक्षिण अमेरिका विश्व में सोलेनेसी कुल के प्रमुख वितरण केंद्र है. भारत में सोलेनेसी कुल के लगभग 15 वंश एवं 88 पादप जातियां हिमालय एवं दक्षिणी पूर्व क्षेत्र में पाई जाती हैं. सोलेनेसी कुल का सबसे बड़ा पादप वंश सोलेनम है जिसमें लगभग 1500 जातियां सम्मिलित हैं. सोलेनेसी कुल के लगभग 38 पादप वंश मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका तथा कैरिबियन द्वीप समूह में सीमित क्षेत्रीयता एंडेमिज्म प्रदर्शित करते हैं. Now the range of vegetative characters in the family Solanaceae. Solanaceae कुल के कायिक लक्षणों का विस्तार. तो पहले बात करते हैं habit and habitat, प्रकृति एवं आवास. इस कुल के Solanaceae कुल के अधिकांश सदस्य एक वर्षीय अथवा बहुवर्षीय शाक है जैसे कि मकोई जिसका बॉटनिकल नेम है सोलेनम नाइग्रम एवं तमाकू निकोशियाना टेबेकम. तमाकू को बोलेंगे निकोशियाना टेबेकम. एक मिनट शुभि आ गई, शुभि को एंटर कर देते हैं. शुभि सोलेन ठीक है. मतलब इन द फैमिली सोलेनेसी मेजोरिटी ऑफ द प्लांट्स आर एनुअल्स और पेरिनियल हर्ब्स एंड एग्जांपल ऑफ द examples are solanum nigrum, macoe, nicotiana tabacum जिसे कि तमाकू कहते हैं. इसी प्रकार bithania somnifera अश्वगंधा एक उपशुभ या बहुवर्षीय शाक है. कुछ पौधे शुभ जैसे solanum torvum एवं छोटे वृक्ष small trees जैसे कि सोलेनम वर्वेसी फोलियम. सोलेनम वर्वेसी फोलियम एक है सिफोमेंड्रा बिटेसिया और सोलेनम जाइजेंटिया के रूप में पाए जाते हैं. मतलब छोटे वृक्ष का एग्जांपल क्या है? सोलेनम वर्वेसी फोलियम. ये स्मॉल ट्रीज है. और दूसरा स्मॉल ट्री का नाम क्या है? सिफोमेंड्रा बिटेसिया और सोलेनम जाइजेंटिया. जबकि कुछ अन्य सदस्य जैसे सोलेनम जस्मिनोइडस वल्लरी या बेलो के रूप में मिलते हैं. अब है रूट. तो सोलेनेसी कुल में ब्रांच्ड टैप रूट पाई जाती है. मतलब सोलेनेसी कुल में शाखित मूसला मूल पाई जाती है. स्टेम नाउ द स्टेम अधिकांश
सदस्यों में स्तंभ शाखित एवं एरोमिल होता है. मीन्स इन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंगिंग टू द फैमिली सोलेनेसी द स्टेम इज ब्रांच्ड एंड ग्लैबरस. परंतु कुछ पौधों जैसे कि लाइसियम में स्टेम शूलमय होता है, स्पाइनी होता है. ये शूल रूपांतरित शाखाएं होती हैं. स्तंभ शाकीय जैसे सोलेनम नाइग्रम में या काष्ठीय होता है जैसे कि सेस्ट्रम में. मतलब इन सोलेनम नाइग्रम द स्टेम इज हर्बेशियस वेरेज इन सेस्ट्रम द स्टेम इज वुडी. वेरेज इन सेस्ट्रम द स्टेम इज वुडी. कुछ जातियों जैसे कि आलू या सोलेनम ट्यूबेरोसम में तना भूमिगत संचय के कारण फूल कर कंदिल ट्यूबरस हो जाता है. अब नाउ द लीफ. तो पर्ण क्या है? सरल पाई जाती है, एकांतरित है एंड एक्स स्टिपुलेट है. मतलब द लीफ इन द फैमिली सोलेनेसी इज सिंपल. इट इज अरेंज इन अल्टरनेट मैनर एंड इट इज एक्स स्टिपुलेट. मतलब अनुपर्ण अनुपस्थित होते हैं एंड द लीफ इज एंटायर. जैसे कि एग्जाम्पल क्या है बेटा? पिटूनिया है, सेस्ट्रम. पिटूनिया एवं सेस्ट्रम में या कटे फटे उपांत वाली पत्तियां पाई जाती हैं जैसे कि सोलेनम जेंथोकार्पम में जो पर्ण के उपांत कैसे होते हैं? कटे फटे होते हैं. वह लाइकोपर्सिकॉन एवं सोलेनम ट्यूबरोसम में पर्ण पिच्छिकी रूप से संयुक्त होती है. मींस इन लाइकोपर्सिकॉन एंड इन सोलेनम ट्यूबरोसम द लीफ इज पिनेटली कंपाउंड. पुष्पक्रम क्षेत्र में पत्तियां कभी कभी सम्मुख रूप से विन्यासित पाई जाती हैं. शिरा विन्यास जाली कवच होता है. रेटिक्यूलेट विनेशन पाया जाता है. तो इस प्रकार हमने देखा रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स इन द फैमिली सोलेनेसी. अब बात करते हैं रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स इन द फैमिली सोलेनेसी. रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स. सोलेनेसी में पुष्पीय लक्षणों का विस्तार. तो पुष्पक्रम है इन्फ्लोरेसेंस. इन्फ्लोरेसेंस सोलेनेसी कुल में साइमोस सीमाक्ष पुष्पक्रम पाया जाता है. द्विशाखित सीमाक्ष बाईपेरस साइम पुष्पक्रम भी पाया जाता है. जैसे कि धतूरा में हेलिकॉर्ड साइम. जैसे कि धतूरा में क्या मिलता है बेटा? बाईपेरस साइम पुष्पक्रम पाया जाता है. वह हेलिकॉइड साइम हिंदी क्या है? कुंडलिनी सीमाक्ष पुष्पक्रम सोलेनम नाइग्रम या स्कॉर्पियोड साइम कुटिल सीमाक्ष इन्फ्लोरेसेंस एट्रोपा बेलेडोना में हो सकता है. तो क्या याद रखोगे? बाईपेरस साइम इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन धतूरा वेरस हेलिकॉइड साइम इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन सोलेनम नाइग्रम एंड स्कॉर्पियोड साइम इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन एट्रोपा बेलेडोना. मतलब हेलिकॉइड साइम कुंडलिनी सीमाक्ष पुष्पक्रम सोलेनम नाइग्रम में पाया जाता है. वह कुटिल सीमाक्ष पुष्पक्रम एट्रोपा बेलेडोना में पाया जाता है. इसी प्रकार बिथानिया में पुष्प कक्षीय गुच्छों में विन्यासित होते हैं, पेनिकल्ड साइम में विन्यासित होते हैं. नाउ द फ्लावर. तो फ्लावर कैसा है? इन द फैमिली सोलेनेसी द फ्लावर इज पेडिसिलेट एंड इट इज ब्रैक्टेट
or E-bractate, and the flower is complete or actinomorphic and cyclic. मतलब पुष्प कैसा है, सोलेनसी कुल में जो पुष्प है सेवरंथ होता है, सहपत्री या सहपत्र रहित होता है, पुष्प पूर्ण होता है, वह त्रिज्या सम्मित होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, वह चक्रीय साइक्लिक होता है। जो पुष्प है सोलेनसी कुल में बाइसेक्सुअल होता है, उभयलिंगी होता है, परंतु एक्सेप्शन क्या है, विथानिया विथानिया कोएगुलेंस में पुष्प एकलिंगी होता है। मतलब इन विथानिया कोएगुलेंस द फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल, वेयरएज इन पेंटामेरस भी होता है। फ्लावर कैसा है, पेंटामेरस पंचतई, पंचतई का मतलब है पांच सेपल हैं, पांच पेटल्स हैं और पांच स्टेमेंस हैं और पांच इसमें क्या है कार्पल्स हैं, मतलब पर ओवरी कैसी है पेंटालोक्युलर होगी। तो मतलब ये कैसा है फ्लावर कैसा है, हाइपोगाइनस है, जायंगधर है, कौन से कुल में सोलेनसी कुल में, और शाइजेंथस एंड हायोसाइमस में पुष्प जाइगोमॉर्फिक होते हैं। शाइजेंथस में व हायोसाइमस में फ्लावर्स कैसे होते हैं, एक व्यास सम्मित होते हैं। नौ कैलिक्स जिसको की कहते हो बाह्य दलपुंज, तो बाह्य दलपत्र सेपल्स कितने हैं बेटा, पांच होते हैं, संयुक्त बाह्य दली होते हैं, गेमोसिपैलस, गेमोसिपैलस मतलब जो सेपल्स हैं वो संयुक्त होती हैं और चिरलग्न होती है। जो बाह्य दलपत्र हैं वो चिरलग्न है मतलब परसिस्टेंट होते हैं, वे वेलवेट कोर स्पर्शी विन्यास पाया जाता है, कभी कभी इम्ब्रिकेट कोर छादी विन्यास भी पाया जाता है। फाइसेलिस, फाइसेलिस में बाह्य दल सेपल्स, सेपल्स कैसे होते हैं, उत्तरवर्धी होते हैं, एक्रीसेंट होते हैं, अर्थात ये बड़े होकर फल को पूरी तरह ढक लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, फाइसेलिस में जो बाह्य दल हैं सेपल्स हैं वो एक्रीसेंट होते हैं। एक्रीसेंट का मतलब क्या होता है, सेपल्स बड़े होकर फल को पूरी तरह से ढक लेते हैं। जबकि बैगन या सोलेनम मेलोनजीना, बैगन को क्या कहेंगे सोलेनम मेलोनजीना में बाह्य दल मांसल एवं शूल में होते हैं एवं मैक्रीसेंट होते हैं, अपात जीर्णे होते हैं। अब बात करते हैं कोरोला इन द फैमिली सोलेनेसी, तो दलपत्र कितने होते हैं, पेटल्स पांच होते हैं, और यहाँ पे भी क्या है पेटल्स आपस में संयुक्त होते हैं, तो किसको क्या बोलेंगे गेमोपिटेलस, और दलपुंज विन्यास कोर स्पर्शी होता है। विन्यास कैसा है, दलपुंज विन्यास वेलवेट है, कोर स्पर्शी है, जैसे कि सोलेनम नाइग्रम में, या दलपुंज विन्यास व्यावर्तित होता है, ट्विस्टेड होता है, जैसे कि धतूरा में, धतूरा अपन कल पढ़ेंगे इसी में, अथवा दलपुंज विन्यास कोर छादी भी होता है, इम्ब्रिकेट होता है, जैसे कि निकेंड्रा में, NICANDRA, दलपुंज, दलपुंज कीपाकार फनल शेप्ड होते हैं, जैसे कि फाइसेलिस में, वे दलपुंज रोटेट भी होते हैं, चक्राकार भी होते हैं, जैसे कि सोलेनम में, और तुरई अथवा बिगुलाकार दलपुंज भी पाए जाते हैं, ट्रम्पेट शेप्ड दलपुंज होते हैं जैसे कि धतूरा में, नलिकाकार दलपुंज भी पाए जाते हैं जैसे कि सेस्ट्रम में, अथवा बाइलेबिएट दी ओष्टी दलपुंज भी पाए जाते हैं जैसे कि शाइजेंथस में। तो अपन किसकी बात कर रहे थे, सोलेनसी में कोरोला की, तो दलपुंज की शेप कैसी है, फनल शेप भी हो सकते हैं, कीपाकार भी हो सकते हैं दलपुंज, चक्राकार रोटेट भी हो सकते हैं, बिगुलाकार जैसे बिगुल होती है, ट्रम्पेट शेप भी हो सकते हैं, और
ट्यूबुलर भी दलपुंज हो सकते हैं। तो जो नलिकाकार दलपुंज है वो तो सेस्ट्रम में पाए जाते हैं, और बिगुलाकार ट्रम्पेट शेप्ड दलपुंज धतूरा में पाए जाते हैं। इसी प्रकार चक्राकार मतलब रोटेट दलपुंज सोलेनम में पाए जाते हैं, व कीपाकार फनल शेप दलपुंज फाइसलिस में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं एंड्रोशियम इन द फैमिली सोलेनेसी, पुमंग कैसा होता है किसमें सोलेनेसी कुल में। तो पुंकेसर 5 होते हैं और पृथक पुंकेसरी मतलब पॉलीएंड्रस होते हैं, दल्लग्न होते हैं मतलब स्टेमेंस आर एपिपेटेलस, पुतंतु फिलामेंट्स फिलामेंट्स असमान छोटे व पराग कोश अग्र स्पर्शी होते हैं। कैसे होते हैं? पराग कोश अग्र स्पर्शी होते हैं एंड एक व्यास समृद्ध पुष्पों में जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स में जैसे कि सेल्पीग्लोसस में पुंकेसरों की संख्या 4 होती है। वैसे क्या बताया, सोलेनेसी कुल में पुंकेसर 5 होते हैं जो कि पॉलीएंड्रस होते हैं, आपस में पृथक होते हैं, पृथक पुंकेसरी होते हैं, लेकिन सेल्पीग्लोसस में पुंकेसरों की संख्या 4 होती है, अथवा शाइजेंथस में पुंकेसरों की संख्या 2 होती है। शाइजेंथस में पुंकेसर कितने होते हैं? पुंकेसरों की संख्या 2 होती है। इनमें शेष पुंकेसर बंधे होते हैं मतलब शेष रिमेनिंग पुंकेसर स्टेमिनोड्स होते हैं, बंधे होते हैं। पराग कोश दीकोष्टी पराग कोश डाइथिकस आधार लग्न बेसी फिक्स सहजात कोनेट एवं अंतर्मुखी इंट्रोड्स होते हैं। अब बात करते हैं गाइनोशियम की, जायांग की। तो गाइनोशियम कैसा होता है? सोलेनेसी कुल में बाइकार्पिलरी डी अंडपी गाइनोशियम पाया जाता है एवं सिनकार्पस होता है, युक्ता अंडपी होता है। परंतु कुछ पौधों जैसे कि निकेंड्रा में जायांग 4 या 5 अंडपी पाया जाता है, मतलब इन निकेंड्रा द गाइनोशियम इज आइदर टेट्राकार्पिलरी और पेंटाकार्पिलरी। अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती सुपीरियर एवं द्विकोष्ठी बाइलोक्युलर होता है, परंतु कुछ प्रजातियों में जैसे कि धतूरा में आभासी पट बनने के कारण मतलब धतूरा में फॉल्स सेप्टम बनने के कारण अंडाशय टेट्रालोक्युलर हो जाता है या बहुकोष्ठीय मल्टीलोक्युलर हो जाता है, जैसे कि कैप्सिकम में मल्टीलोक्युलर गाइनोशियम मल्टीलोक्युलर अंडाशय पाया जाता है। साथ ही लाइसियम LYCIUM व कैप्सिकम में ऊपरी भाग में अंडाशय यूनिलोक्युलर होता है। कैसा होता है? यूनिलोक्युलर होता है और एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। जायांग में गाइनोशियम में ओब्लिक सेप्टम एवं फूला हुआ बीजांड आसन स्वेलन प्लासेंटा इस सोलेनेसी कुल के विशिष्ट लक्षण है। वर्तिका सरल होती है एवं वर्तिकाग्र दीपालित बाइलोब्ड या समुंड कैपिटेट पाई जाती है। तो अपन देखते हैं जो गाइनोशियम है सोलेनेसी कुल में वो निकेंड्रम में टेट्राकार्पिलरी या पेंटाकार्पिलरी पाया जाता है। ओवरी कैसी होती है? सुपीरियर होती है, लेकिन धतूरा में क्योंकि फॉल्स सेप्टम बन जाता है इसलिए जो अंडाशय है वो तो टेट्रालोक्युलर हो जाता है या मल्टीलोक्युलर हो जाता है। एक स्लाइड शेयर करती हूँ, एक स्लाइड। हाँ बेटा ये देखना,
ये देखना है दतुरा की बात कर चल रही है तो ये दतुरा का डायग्राम है, दतुरा मेटल। तो दतुरा में क्या बताया कि चूंकि फॉल्स सेप्टम बनता है, ये एरो दिख रहा है, फॉल्स सेप्टम मतलब आभासी पट बनने के कारण जो अंडाशय है वो कैसा हो गया, टेट्रालोक्यूलर। चार लोक्यूल दिखाई दे रहे हैं, चार कोशक, 1 2 3 4, टेट्रालोक्यूलर या बहुकोष्ठीय होता है। तो दतुरा का ये फ्लोरल डायग्राम है। यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला क्या बता रखा है, ये ब्रैक्टेट होता है, तो आपको ये ग्रीन कलर की ब्रैक दिख रही है। ई ब्रैक्टियोलेट होता है, मतलब ब्रैक्टियोल्स एब्सेंट होती है, और प्लस का निशान क्या बताता है, निशान एक्टिनोमॉर्फ, एक्टिनोमॉर्फिक। दतुरा का जो फ्लावर है वो कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक। और ये देख रहे हो ऊपर ये फ्लोरल फॉर्मूला में देखो, ये बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी है, कैलिक्स कितनी है बेटा, 1 2 3 4 5। तो बाहर की ओर जो ग्रीन कलर से दिख रही है, सेपल्स कितनी है, 5 है, क्योंकि यूनाइटेड है, मतलब पॉलीसीपैलस है, तो आपस में ये संयुक्त दिख रही है। इसी प्रकार पेटल्स भी देखना बेटा, अंदर ये कैसी दतुरा में दिख रही है, 5 है, 5 ये कैसी है, पॉलीपेटलस है, तो पेटल्स भी आपस में संयुक्त है। अब पुंकेसर में थे कितने बताए थे, 5, और 5 में क्या बताया, ये दलग्न होते हैं, तो सी और ए। ये फ्लोरल डायग्राम भी देखो, ये पेटल्स से संलग्न है, 1 2 3 4 5, तो पुंकेसर कितने हैं, 5 हैं, जो कि दलग्न हैं, ठीक है। ये दतुरा का फ्लोरल डायग्राम है। गाइनोशियम क्या है बेटा, वैसे तो बाइकार्पलरी होता है, क्या होता है, डी एंड पी, लेकिन मैंने अभी क्या बताया, चूंकि इसमें एक फॉल्स सेप्टम आभासी पट बन जाता है, तो ये बाइकार्पलरी नहीं होकर क्या दिखाई देता है, टेट्रालोक्यूलर हो जाता है। ये दिख रहा है ना, चार लोक्यूल्स हैं, ठीक है, और नीचे निशान है, उसको कहेंगे हाइपोगाइनस। ओवरी कैसी है, सुपीरियर है, मतलब ऊर्ध्ववर्ती है। तो अपन ये क्या देख रहे हैं, दतुरा का फ्लोरल डायग्राम। अब ये देखो, मैंने बताया कि इसमें एक स्वलन प्लासेंटा पाया जाता है, इस कुल का, सोलेसी कुल का लक्षण क्या है, स्वलन प्लासेंटा। तो देख रहे हैं, फूला हुआ प्लासेंटा पाया जाता है, बीजाणासन कैसा है, फूला हुआ पाया जाता है, और जायंग में तिर्यक पट पाया जाता है, ये तिर्यक पट है, तो ये कैसा है, टेट्रालोक्यूलर, 1 2 3 4, चार लोक्यूल दिखाई दे रहे हैं। दतुरा का फ्लोरल डायग्राम में फ्लोरल का देखेंगे अपन, ये क्या दिखा रहा है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी। ये जो है, मैं एरो घुमा रही हूँ, ये है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ओवरी, और कोरोला को अपन जब काटते हैं, मतलब दल कोरोला को क्या बोलेंगे, दलपुंज। तो इसमें देखना, ये 5 पेटल्स है, 1 2 3 4 5, और एंथर्स कितने दिख रहे हैं, 5। एपिपेटलस स्टेमेंस, ये मार क्या है, जो पुंकेसर है वो दलग्न होते हैं, मतलब एपिपेटलस स्टेमेंस पाए जाते हैं, और ऊपर दिख रहे हैं अपन को एंथर्स, ठीक है। तो दतुरा का ये डायग्राम है, दतुरा में आप देख रहे हो ये फ्लावर्स है व्हाइट कलर का, और ये फ्लोरल फॉर्मूला है जो कि सबसे मेन है, और इसका जो फल क्या कहलाता है बेटा, कैप्सूल, स्पाइनिसेंट कैप्सूल, क्योंकि फल पे जो कि कैप्सूल कहलाता है, इस पे कांटे पाए जाते हैं, तो स्पाइनिसेंट कैप्सूल मतलब फल दतुरा में जो देख रहे हो, सोलेसी कुल में कैप्सूल पाया जाता है, जिसके ऊपर कांटे होते हैं, स्पाइंस होते हैं, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं सोलेंसी कुल के अधिकांश सदस्यों में जायांग के दोनों अंडब अपनी सामान्य मध्यवर्ती स्थिति से लगभग 45 डिग्री के कोण पर रोटेशन, दक्षिणावर्त रोटेशन घूर्णन या घुमाव प्रदर्शित करते हैं। जायांग के नीचे एक नेक्टेरीफेरस डिस्क पाई जाती है, मकरंद चक्रिका पाई जाती है। अब बात करते हैं फ्रूट एंड सीड, फल एवं बीज। तो सोलेसी कुल में बेरी सरस फल पाया जाता है, बेरी पाया जाता है, लेकिन दतुरा में जो अपन ने अभी देखा, इसमें दतुरा में पट विदारक सेप्टिफ्रेगल कैप्सूल पाया जाता है, अपन ने देखा था दतुरा में, अभी पिक्चर में एक स्लाइड में कैप्सूल पाया जाता है। तो दतुरा में
पट वेदारक कैप्सूल पाया जाता है या हायोसाइमस में पेक्सीडियम पाया जाता है। बीजों का प्रकीर्णन सोलेनेसी कुल में पशु एवं पक्षियों द्वारा होता है व एट्रोपा एवं हायोसाइमस में जल के द्वारा भी बीजों का प्रकीर्णन डिस्पर्सल होता है। तो अपन ने अभी देखा था फ्लोरल फॉर्मूला भी किसका देखा था, डेटुरा मेटल का। अब एफिनिटीज एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जाति वृत्तीय संबंध एवं बंधुता। तो कुल सोलेनेसी एक और कॉनवोल्वुलेसी एवं दूसरी और कुल स्क्रोफ्यूलेरेसी कुल स्क्रोफ्यूलेरेसी से समानता प्रदर्शित करता है। तो सोलेनेसी कुल किस फैमिली से सिमिलरिटीज दर्शाता है? सोलेनेसी कुल एक और तो कॉनवोल्वुलेसी एवं दूसरी और फैमिली स्क्रोफ्यूलेरेसी से समानता प्रदर्शित करता है। कॉनवोल्वुलेसी में कॉनवोल्वुलेसी से इसके अनेक लक्षण मिलते हैं, परंतु इसके कुछ सदस्य जैसे कि सेल्पीग्लोसस एवं ब्रूनफेल्सा सेल्पीग्लोसम एवं ब्रूनफेल्सिया BRUNFELSIA एवं ब्रूनफेल्सिया अनियमित एवं एक व्यास सममित पुष्पों के कारण स्क्रोफ्यूलेरियल्स से भी समानता प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो अपने सोलेनेसी कुल है वो एक और तो कॉनवोल्वुलेसी से सिमिलैरिटी दर्शाता है, दूसरी और फैमिली स्क्रोफ्यूलेरेसी से भी समानता दर्शाता है। तो कॉनवोल्वुलेसी से इसके अनेक लक्षण मिलते हैं, परंतु सोलेनेसी कुल के कुछ सदस्य जैसे कि सेल्पीग्लोसस एवं ब्रूनफेल्सिया अनियमित एवं एक व्यास सममित पुष्पों के कारण स्क्रोफ्यूलेरियल्स, मतलब कौन सा ऑर्डर है, स्क्रोफ्यूलेरियल्स से भी समानता प्रदर्शित करते हैं। इसलिए तक्तजान द्वारा सोलेनेसी कुल को गण स्क्रोफ्यूलेरियल्स में रखा गया। किसमें रखा गया? तक्तजान द्वारा इस कुल को सोलेनेसी कुल को ऑर्डर स्क्रोफ्यूलेरियल्स में रखा गया। अब अपन बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सोलेनेसी एंड कॉनवोल्वुलेसी।